हे गाइस, दिस इज राइडर नाइट शार्क और आज मैं हूँ आर्य कॉलोनी में और सो इट्स 5:15 राइट नाउ और मैं मेरे दोस्त मीत के साथ अभी मिलूँगा गोरेगांव। वहाँ से हम वापस आएंगे आर्य फॉरेस्ट में एंड वहाँ से हम जाएंगे टॉप, मतलब एकदम हिल के टॉप में। सो बेसिकली अभी आई हैव जस्ट स्टार्टेड द रूट ओवर हियर। यहाँ से मैं आया अंदर और फिर यहाँ से अभी मैं थोड़ा ऑफ रोडिंग करूँगा एंड आई विल बी गोइंग टूवर्ड्स दैट राउट एंड देन थोड़ा ऑफ रोडिंग करते करते आपको सब बताऊँगा कि क्यों मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए थे। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट टाइम क्या हुआ था, एट दिस पॉइंट आई हैड स्टार्टेड माय इंट्रोडक्शन मे बी 2 वीक्स अगो और बारिश के कारण जब मुंबई में रेड अलर्ट हुआ था आई कुडंट रिकॉर्ड। सो टुडे इज़ अ नाइस डे, इट्स वेरी सनी एंड मैंने गूगल वेदर में चेक किया है, गूगल बाबा बता रहे हैं कि अभी बारिश गिरने तो नहीं वाली है। सो आई आस्क माई सेल्फ यू वाई नॉट आई शुड मेक अ व्लॉग। सो अभी मेरा प्लान इस 15 मिनट में ऐसे मतलब यूँ ही ऐसे बन गया। आई वॉज लाइक मी चल जाते टॉप पे जाते, आई विल लीव एट 5:15 एंड देन इज लाइक ओके वंस यू कम डाउन जिस कॉल मी, आई सेड ओके एंड व्हाट हैड हैपेंड लास्ट टाइम। सो 2 वीक्स अगो मैंने मेरा इंट्रोडक्शन उस पॉइंट पे चालू किया, आई डिड माई इंट्रोडक्शन एंड मेरी जो ये वाली साइकिल की रियर टायर है वन मिनट आई जस्ट शो यू। सो दिस इज माई न्यू टायर, सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रिप एंड दिस इज़ द ओल्ड टायर, मतलब ये कंपनी से आया हुआ टायर है। सो इसका कुछ ग्रिप है नहीं एंड वॉट आई एम गोना डू इज आई एम गोना गो towards the off-roading section। so there are 2 sections of the road, एक जो जाता है स्ट्रेट वे पे, एक प्रॉपर स्ट्रेट रोड है, क्लीन रोड है, लेफ्ट है वो ऑफ-रोडिंग है। सो आई प्लान कि मैं लास्ट टाइम वैसे ही करूँगा बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज नॉट माई डे, आई कुडंट व्लॉग एंड मेरा टायर फट गया। सो आई सॉ 4 स्टोन मार्क्स ऑन माई टायर, सो आई डिसाइडेड कि आई विल हेड बैक होम। ओके, बारिश पता नहीं थोड़ा पानी तो गिर रहा है बट इट्स ओके, आई कैरीड माय विंडशील्ड टुडे। तो मैंने चालू किया एंड आई स्टार्टेड माई व्लॉग, मैं आया यहाँ से एंड मैं एकदम स्पीड ऐसे यहाँ से लिखे गया चढ़ान पे एंड आई रियलाइज कि मेरा जो पीछे का टायर है वो फट गया एंड माई साइकिल इज ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स द राइट साइड। सो आई हैड टू स्टॉप, मैंने मेरे साइकिल को उठाया एंड मैं घर लेके गया एंड जब ऐसा सिचुएशन आता है कि टायर फट जाता है सो आई विल रिकमेंड कि यू शुड नॉट राइड ऑन योर साइकिल एट दैट टाइम, चुपचाप फिर बारिश गिर रहा है, मैं चुपचाप मेरा साइकिल उठा के मैं चला गया। आगे थोड़ा शेड है, उधर जाके रुकूंगा बिकॉज लेट्स सी इफ द गोप्रो इज कैचिंग इट बट बादल बहुत डार्क है एंड आई डोंट वांट टू गेट वेट, होप द गोप्रो इजंट वेट, सो आई एम गोना टेक जस्ट गोना टेक अ शेड, या आई एम जस्ट गोना टेक अ शेल्टर, सॉरी नॉट शेड, आई एम जस्ट गोना टेक अ शेल्टर ओवर हियर। सो यहाँ पे सब काउज लोग होते हैं, ऑल द काउज आर ओवर हियर। So
तो लेट्स सी, अभी बारिश अगर रुकी तो मैं आगे ऐसे ही निकलूँगा, वरना विंडशील्ड पहनना पड़ेगा। ओके सो आई एम बैक, द रेन हैज स्टॉप्ड फॉर अ व्हाइल। एंड आई होप, अभी इधर तो मैं लाउड एंड क्लियर हूँ इतना मुझे भी पता है, बिकॉज ऑन दी हाईवेज आई नो आई कांट बी लाउड, लाइक आई एम ट्राइंग कि माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू गाइज। व्हाट द हेल, क्या पता। हाईवे पे तो पॉसिबल नहीं है, बट इधर डेफिनेटली आई एम टॉकिंग नॉर्मली, सो डेफिनेटली मेरा आवाज़ तो बहुत क्लियरली आ ही रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताओ। एंड दिस इज अ बिट ऑफ रोडिंग, मतलब इट्स अ प्रॉपर रूट, बट स्टिल सी यहाँ पे बहुत खड्डे हैं, खड्डे मतलब इतने खड्डे हैं ना, साइकिलिंग करने में बहुत मज़ा आता है। And I always keep my combination at 2 and 1 over here, because एकदम भी 1 पे रख के यू नो यू शुड नॉट राइड ऑन योर लोएस्ट गियर्स, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर द डिरैलियर एंड द गियर प्लेट। सो वंस मैं चढ़ा के हो गया मेरा, so I can easily put it on 2. So now this is a bit okay, so now shifting 2. So the combination is 2 and 2 now. Let's try to catch up some speed. Always be very alert while driving your vehicles, because car to theek hai but bike and cycle, like you can't just think ki are itna chhota sa hai, matlab even if this is not a small pothole for me, you never know kitna bada pothole ho sakta hai. Always be cautious. For a car, it can just go from here to there. It has four wheels, so it's safe. So yahan se over straight. So if I take, I'll go straight and then I take a right. फिर मुझे एक प्रॉपर क्लियर रोड मिलेगा, बट इफ आई टेक अ लेफ्ट आई विल गो टू द ऑफ रोडिंग सेक्शन, सो देयर इज अ बिट ऑफ क्लियर रोड, प्रॉपर रोड है, बट उसके बाद में थोड़ा ऑफ रोडिंग है विच आई रियली लव। सो आई हैव अ MTB, अ माउंटेन बाइक, सो आई रियली रियली लव टू गो लाइक for off-roading. I really like to take my cycle on the mountains and wherever I can except for the road. So there's a friend of mine named as Ja bhai ja ja. MS46BE7094. So I have a friend of mine name as Mizan. So he basically is a road bike guy. So he loves to ride his cycle only on the roads, like highways and all those stuff. So he said that, dude, you're a MTB guy, I am a road bike guy, so how will we ride together in the future? I like,
I love to take it on roads as well as on off-roading routes. So I have no problem. So I can ride with you anywhere, anytime. So he's like, okay, cool. So if any one of you want to ride with me, you can just comment down and let me know. We'll definitely ride together. So this is a nice road, so this is very, very nice road. I'll have to take a left, and I usually come in the night time because, as you know, Night Shark has a lot of lights on his cycle. Basically, I should say that Night Shark has a lot of lights on himself because this is Night Shark, so yeah, definitely. And this is a road where I can definitely leave my hand and keep on riding. There's a good turn. But when it comes to uphill, that's like a bit irritating, but it's okay. No issues, like no problem. If you're a cyclist, you should like never, like you can say ki bhai kitna ekdam kitna bada slope tha and all those stuff, but you know usme fun hota hai off-roading. And see, I have got a clear path, but I love to go in potholes because I know that's a small pothole. If it's a big pothole, I'll definitely not go there. So yeah, if you're a cyclist, you should always love to take your cycles for off-roading and uphill, downhill. Downhill is the best. Like you literally have to do nothing. So there's an uphill right now. So here are all the cricket players. They play cricket and football. So today they are playing football. No, they are playing volleyball. Yeah. So this is a uphill. So here's where I derail, and I'm ready to just go uphill. I don't pretty much use my left gears. See, what's my sequence? Only on steep slopes, I'll be using one. On normal routes, highways, like where there is traffic, I'll be using two. But if I want to hit the top speed of 90-100 km per hour, then I go on three. So my top speed is 103 kilometers per hour. Oh shit. The cornering is best.